हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, आप कहाँ हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो कि आप कहाँ हैं, इंग्लिश में सिंपली पूछेंगे वेयर आर यू। वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। वेयर आर यू, मैं घर पर हूँ। अब अगर आपको किसी को बताना हो कि मैं घर पर हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम एट होम। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। तुम अंदर कैसे आए, अगर आपको किसी से पूछना हो, क्वेश्चन करना हो कि तुम अंदर कैसे आए, इंग्लिश में पूछेंगे हाउ डिड यू गेट इन। हाउ डिड यू गेट इन, तुम अंदर कैसे आए। हाउ डिड यू गेट इन, क्या वो आपका रिश्तेदार है। अगर आपको किसी को दिखा के पूछना है कि क्या वो आपका रिश्तेदार है, इंग्लिश में पूछेंगे इज ही योर रिलेटिव। इज ही योर रिलेटिव, क्या वो आपका रिश्तेदार है। इज ही योर रिलेटिव, इस तरह चुप मत रहो। Don't be silent like this. इस तरह चुप मत रहो। Don't be silent like this. क्या चल रहा है? What's going on? What's going on? क्या चल रहा है? What's going on? मुझे ये मुश्किल लगता है। अगर आपको कोई काम मुश्किल लगता है, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे ये मुश्किल लगता है, इंग्लिश में बोलेंगे I find it difficult. I find it difficult. मुझे ये मुश्किल लगता है। I find it difficult. मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। I know you very well. मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये अगर आपको किसी को बोलना है तो आप बोलेंगे I know you very well. ये कभी मत भूलना। ये कभी मत भूलना। Never forget this. Never forget this. ये कभी मत भूलना। Never forget this. एक एक करके अंदर आओ। अगर आपको बोलना है कि एक एक करके आओ, इंग्लिश में बोलेंगे Come one by one. एक एक करके आओ। Come one by one. क्या मैंने आपको सही समझा? Did I get you right? Did I get you right? क्या मैंने आपको सही समझा? Did I get you right? क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Can you call me please? Can you call me please? क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? Can you call me please? मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। I go to the office every day. मैं रोज ऑफिस जाता हूँ। I go to the office every day. बहुत देर हो चुकी है। अगर आपको किसी चीज के लिए बोलना हो कि बहुत देर हो चुकी है, इंग्लिश में बोलेंगे इट्स टू लेट। इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। इट्स टू लेट, मैं आपके घर आऊंगा। आई विल कम टू योर हाउस। आई विल कम टू योर हाउस, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर आपको किसी को देख के पूछना है, क्वेश्चन करना है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर यू डूइंग हियर। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ गया, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग। I don't want anything. मुझे कुछ नहीं चाहिए। I don't want anything. इतनी जोर से बात मत करो। Don't talk so loudly. Don't talk so loudly. इतनी जोर से बात मत करो। Don't talk so loudly. अगला सेंटेंस है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। How many times I have told you? How many times I have told you? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है। How many times I have told you? क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? Don't you understand at once? Don't you understand at once? क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? Don't you understand at once? आपका गुस्सा जायज है। अगर कोई गुस्से में है, आप उन्हें बोलना चाहते हैं कि भाई आपका गुस्सा जायज है, इंग्लिश में बोलेंगे Your anger is justified. Your anger is justified. आपका गुस्सा जायज है। Your anger is justified. आपका फोन नंबर क्या है? What is your phone number? What is your phone number? मुझे पहले जाने दो। Let me go first. Let me go first. मुझे पहले जाने दो। Let me go first. मुझे सब बताओ। Tell me everything. Tell me everything. मुझे सब बताओ। Tell me everything. आप एक काम करिए। You do one thing. You do one thing. आप एक काम करिए। You do one thing. मैं आपका नौकर नहीं हूँ। अक्सर हम बोलते हैं, जब हमें कोई काम बोलता है, हम बोलते हैं भाई मैं आपका नौकर नहीं हूँ, इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट योर सर्वेंट। I am not your servant. मैं आपका नौकर नहीं हूँ। I am not your servant. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। I never said that. I never said that. मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। I never said that. मुझे ये सब मत बताओ। Don't tell me all this.
डोंट टेल मी ऑल दिस, मुझे ये सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस। अगला सेंटेंस है, ये मेरे दिमाग से निकल गया। अगर आपको किसी ने कोई काम बोला था, आप वो नहीं कर पाए, भूल गए, तो आप बोलते हैं ना कि ये मेरे दिमाग से निकल गया था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो इंग्लिश में बोलेंगे इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड, ये मेरे दिमाग से निकल गया, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न, नाउ इट्स माय टर्न। अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माय टर्न, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स, दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल्स हैव ईयर्स। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं मिलना चाहूंगा, अगर आपको किसी को बोलना है कि मैं मिलना चाहूंगा, इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड लाइक टू मीट, आई वुड लाइक टू मीट, मैं मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट। तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक अ लॉट, इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई। ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी। काश मैं तुम्हें समझा सकती, आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। और इस तरह डेली आसानी से इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।